सी.एस. दुबे की जीवनी। चंद्रशेखर दुबे, जिन्हें सी.एस. दुबे के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय अभिनेता और रेडियो व्यक्तित्व थे, जिनका जन्म 4 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के कन्नौज में हुआ था। उनका जीवन कला और सामाजिक कारणों दोनों के प्रति प्रतिबद्धता से चिन्हित था, जिसने भारतीय सिनेमा और रेडियो पर एक अमिट छाप छोड़ी। 17 साल की छोटी उम्र में सी.एस. दुबे अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए बॉम्बे, अब मुंबई, चले गए। हालांकि शहर में उनके शुरुआती साल कैमरे के सामने नहीं बीते, इसके बजाय उन्होंने निर्माता और निर्देशक अमिय चक्रवर्ती के लिए काम करते हुए अपना करियर शुरू किया, जिसमें ऑफिस बॉय, प्रोडक्शन मैनेजर और सहायक निर्देशक सहित विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। इस शुरुआती अनुभव ने उन्हें फिल्म उद्योग में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की, जो उनके बाद के अभिनय करियर में उनके लिए बहुत काम आई। सी.एस. दुबे का स्टारडम का रास्ता चुनौतियों से भरा नहीं था। वे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अभियान था। इस आंदोलन में उनकी भागीदारी के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा, जिससे कम उम्र से ही सामाजिक और राजनीतिक कारणों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई। अपनी रिहाई के बाद सी.एस. दुबे ने अपनी अभिनय आकांक्षाओं पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। उन्हें सफलता 1950 के दशक में मिली, जब वे अमिय चक्रवर्ती की फिल्म पतिता 1953 और सीमा 1955 में नजर आए। इन भूमिकाओं ने उनके शानदार करियर की शुरुआत की, जिसमें वे 150 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में मुख्य रूप से चरित्र अभिनेता के रूप में नजर आए। अपने पूरे करियर के दौरान सी.एस. दुबे ने कई तरह के किरदार निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। हालांकि वे खास तौर पर अपनी नकारात्मक भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अक्सर साहूकार, दलाल और अन्य विरोधी किरदार निभाए, जिससे इन जटिल किरदारों में गहराई और बारीकियां आ गईं। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में तीसरी कसम, रोटी कपड़ा और मकान, मौसम, अंगूर और राम तेरी गंगा मैली शामिल हैं। सी.एस. दुबे का स्क्रीन पर सबसे मशहूर पल 1975 की फिल्म जिंदा दिल में आया, जिसमें उन्होंने मशहूर लाइन ढक्कन खोल के कही थी। यह कैच फ्रेज उनका ट्रेडमार्क बन गया, जो सिल्वर स्क्रीन से लेकर उनके रेडियो करियर तक उनके साथ रहा और पूरे भारत में दर्शकों के बीच उनका नाम रोशन किया। अपने फिल्मी काम के अलावा सी.एस. दुबे का रेडियो में भी सफल करियर रहा। उन्होंने हवा महल और फौजी भाइयों जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों के साथ साथ कई रेडियो नाटकों में भी काम किया। उनकी विशिष्ट आवाज और सिर्फ ऑडियो के जरिए किरदारों को जीवंत करने की क्षमता ने उन्हें इस माध्यम में एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। उन्होंने अक्सर अपने रेडियो प्रदर्शनों में अपने मशहूर कैच फ्रेज को शामिल किया और इसे अपने कई वाक्यों में मजाकिया प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल किया। अपने मनोरंजन करियर से परे, दुबे अपने परोपकारी प्रयासों के लिए जाने जाते थे। वे खास तौर पर गरीब छात्रों को शिक्षा तक पहुंचने में मदद करने के लिए समर्पित थे, जिससे यह पता चलता है कि सामाजिक कारणों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी युवावस्था की भागीदारी से कहीं आगे तक फैली हुई थी। अपने निजी जीवन में दुबे शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। हालांकि दुबे ने आम तौर पर अपने पारिवारिक जीवन को निजी और सार्वजनिक नजरों से दूर रखा। सी.एस. दुबे का बहुमुखी करियर 28 सितंबर 1993 को उनके निधन के साथ समाप्त हो गया। उन्होंने एक अभिनेता, रेडियो व्यक्तित्व और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक समृद्ध विरासत छोड़ी। भारतीय सिनेमा और रेडियो में उनके योगदान का जश्न मनाया जाता है। उनके प्रदर्शन और प्रतिष्ठित कैच फ्रेज को क्लासिक हिंदी सिनेमा के प्रशंसक प्यार से याद करते हैं। सी.एस. दुबे का जीवन और करियर बहुमुखी प्रतिभा, समर्पण और भारतीय मनोरंजन पर एक स्थायी प्रभाव से चिन्हित था।
एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर सिनेमा और रेडियो में अपने विपुल काम तक, सीएस दुबे ने विभिन्न माध्यमों से दर्शकों से जुड़ने की एक उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया। उनका प्रतिष्ठित कैच फ्रेज ढक्कन खोल के एक सांस्कृतिक टचस्टोन बन गया, जबकि सामाजिक कारणों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व से परे उनके चरित्र की गहराई को दिखाया। हालांकि 1993 में उनका निधन हो गया, लेकिन भारतीय सिनेमा और रेडियो में सीएस दुबे के योगदान की सराहना की जाती है, जिसने भारतीय मनोरंजन इतिहास के पन्नों में उनकी जगह को और मजबूत किया है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से लेकर घर घर में मशहूर होने तक का उनका सफर प्रेरणा का स्रोत है, जो दृढ़ता, प्रतिभा और मनोरंजन की बदलती दुनिया में खुद को ढालने की क्षमता को दर्शाता है।